हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में निष्पक्ष, बेबाक और निडर पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़िए और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। बात एक बार फिर हो रही है फेसबुक की। फेसबुक एक बार फिर खबरों में है और उसका संकट गहराता जा रहा है, उसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ताजा खबर यह है कि फेसबुक ने असम के एक बीजेपी नेता के हेट स्पीच को जानबूझकर नहीं हटाया है। यह खबर की है अमेरिका की मशहूर पत्रकार टाइम मैगजीन ने। टाइम मैगजीन ने इस खबर में यह कहा है कि असम के बीजेपी विधायक शिलादित्य देव ने एक बहुत ही खराब, आपत्तिजनक पोस्ट किया फेसबुक पर। उन्होंने ये लिखा उस पोस्ट में कि बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ के असम की हिंदू लड़कियों को उन्होंने नशा दिया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। ये उन्होंने फेसबुक पर लिखा और उसके बाद शिलादित्य देव ने उसमें ऐड किया, ये जोड़ा कि इस तरह से ये बांग्लादेशी मुसलमान हम भारतीय हिंदू महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं। ये फेसबुक पर था, ये 2019 की बात है और उसके बाद एक साल तक फेसबुक पर ये पोस्ट लगा रहा, फेसबुक से ये पोस्ट नहीं हटा। एक गैर सरकारी संगठन है आवाज की ओर से, आवाज के लिए काम करने वाली पूर्व पत्रकार अलाफिया जोएब ने इस मुद्दे पर फेसबुक इंडिया के साउथ एशिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर से बात की। वो बात कर ही रहे थे कि बीच में उन्होंने बात को बंद कर दिया, फोन काट दिया और वो निकल गए। फेसबुक ने इसे स्वीकार किया है। फेसबुक ने टाइम मैगजीन को दिए गए जवाब में ये कहा है, ये स्वीकार किया है कि हाँ ऐसा हुआ था और बीजेपी के उस विधायक के पोस्ट को नहीं हटाया गया था और ऐसा एक साल तक रहा। उसने ये भी माना है कि जो साउथ एशिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर मिस्टर ठकराल थे, उससे आवाज के प्रतिनिधि की बात हुई थी, वो बीच में उठ गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस मुद्दे को महत्व नहीं देते थे, इसका कारण कुछ और था, वो बिजी थे वगैरह वगैरह। आपको मैं याद दिलाऊं कि इसके पहले फेसबुक पर यह भी आरोप लगा था कि तेलंगाना के एक विधायक थे टी राजा सिंह, उन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह आपत्तिजनक पोस्ट की थी और उस आपत्तिजनक पोस्ट को फेसबुक के इंटरनल जो सर्विलांस टीम उसने पकड़ लिया था और यह कहा था कि इस पोस्ट को हटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति को, बीजेपी के उस विधायक को खतरनाक आदमी घोषित करना पड़ता। उस समय यह हुआ कि जो फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास है, उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने यह कहा कि ऐसा करने से फेसबुक इंडिया का सरकार के साथ संबंध खराब होगा और उसके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट पर असर पड़ेगा। अब मामला क्या है, मैं आपको इसके साथ दो एक चीजें और जोड़ के बताता हूं। लगभग इसी समय फेसबुक इंक, मतलब फेसबुक इनकॉर्पोरेशन, वो भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की कोशिश कर रही थी। वो रिलायंस जियो से बात कर रही थी और जैसा कि कुछ दिनों पहले खबरों में आया कि फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड ने रिलायंस जियो में $5 अरब का निवेश किया और उसका लगभग 9% शेयर खरीदा। क्यों? इसलिए कि फेसबुक भारत में होने वाले डिजिटल कारोबार और डिजिटल पेमेंट पर उसकी नजर है और उस बाजार पर वो कब्जा करना चाहता है, उस बाजार में वो आगे बढ़ना चाहता है और इसके लिए सरकारी अनुमति, सरकारी अलाउंस, तरह तरह की जरूरत थी और उसके लिए सरकार से अच्छा रिलेशन होना भी जरूरी था और इस सरकार से अच्छे रिलेशन के लिए फेसबुक ने बीजेपी के उस नफरत फैलाने वाले पोस्ट को, उस मुस्लिम विरोधी पोस्ट को नहीं हटाया। ऐसी घटना 3 बार पहले हुई, असम में ऐसी घटना हुई, तो ये तो इतनी घटनाएं आपके सामने, कम से कम 4 घटनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी ही घटनाएं, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही है। फेसबुक पर यह आरोप भारत में लगा ऐसा नहीं है, बाहर भी लगा है। म्यांमार में यह आरोप लगा और म्यांमार फेसबुक पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने वहां के रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे पोस्ट को जानबूझकर नहीं हटाया था और फेसबुक म्यांमार ने इस आरोप को स्वीकार किया था और कहा था कि हाँ हमसे गलती हुई थी।
जब इतना सब कुछ बवाल मचा तो फेसबुक में भी बवाल मचा। फेसबुक के मुस्लिम कर्मचारियों ने एक संगठन बनाया, अपने आप में समूह बनाया, उन्होंने इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध किया और उन्होंने सीधे फेसबुक इंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और उसके जो सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जकरबर्ग है उसको उन्होंने चिट्ठी लिखी। इसके बाद जो घटना पहले से चली आ रही थी, फेसबुक ने एक बोर्ड बनाया है, एक कमेटी बनाई है जिसका नाम उन्होंने ओवरसाइट बोर्ड रखा है। इस बोर्ड की जिम्मेदारी ये होगी कि वो इस तरह के जो हेट स्पीच है उसको कैसे ठीक किया जाए, फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड उस पर कैसे नजर रखे और इस तरह की गलतियां फिर ना हो, इसके लिए वो सुझाव दे, रिकमेंडेशंस दे और उस पर वो काम करे। यहां मैं एक बात और जोड़ दूं कि यह फैसला 2 साल पहले ले लिया गया था और फेसबुक के बोर्ड ने कहा था कि इस तरह का ओवरसाइट बोर्ड बनाए, उन्होंने नहीं बनाया था, उसमें 2 साल की देर हुई है, अब बना रहे हैं। फेसबुक ऐसा क्यों कर रहा है आप खुद समझ सकते हैं, फेसबुक चर्चा में क्यों है आप खुद समझ सकते हैं और फेसबुक को इन हेट स्पीच के दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा अगर वो भारत में बेहतर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट चाहते हैं तो। आप देख रहे हैं satyahindi.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें satyahindi.com। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।